बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डाइट्री मैनेजमेंट इन पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस। पेप्टिक अल्सर इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पेनफुल सोर्स आर अल्सर्स इन द लाइनिंग्स ऑफ द स्टोमिक आर दिस कैन बी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम रेयरली अकर इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओएसोफेगस बट collectively we will use the term of peptic ulcer. अगर ये stomach में होगा तो फिर हम stomach ulcer कह सकते हैं और अगर duodenum में है तो फिर हम duodenal ulcer कह सकते हैं और अगर जो है ये हमें oesophagus के lower part में कहीं पे जो कि बहुत rare chances हैं होने के वहाँ पे अगर exist करता है या stomach या duodenal की linings में simultaneously exist कर रहा हो तो फिर पेप्टिक अल्सर का वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। पेप्टिक अल्सर आर डिफेक्ट्स इन द गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल म्यूकोसा जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर थी बेसिकली दैट एक्सटेंड थ्रू द मस्क्यूलेरस लेयर। आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं ये अल्सर जो है वो स्टोमिक में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें आप देखेंगे ये स्टोमिक के डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें म्यूकोसा मेम्ब्रेन भी है फिर सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन है और उसके बाद मस्कुलर लेयर्स हैं। तो ये म्यूकस से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते होते मस्क्यूलेरस म्यूकोसा तक जो है वो पहुंच जाता है। इसी तरह ड्यूडिनम के अंदर भी सेम प्रोसेस हो सकता है और ओएसोफेगस के अंदर भी हो सकता है। अगेन सेम रिफ्लेक्शन इज हियर इफ दीज आर प्रेजेंट इन ड्यूडिनम so simply they can be duodenal ulcer and if only present in the stomach we can say stomach ulcer and if prevalent in both of these organs the collective term used will be peptic ulcer. We can differentiate duodenal ulcer and gastric ulcer based on some factors. For example, in case of age, gastric ulcer is more common in middle age individuals having 50 plus age, whereas duodenal ulcer is more prevalent in individuals with less than 50 years of age, 30 to 40 years is more common. Regarding gender, duodenal ulcer is more common in male, whereas gastric ulcer is more common in female. And of course, there may be some reasons associated with both of the sexes. Occupation, especially stress jobs like managerial job, जिस बंदे ने भी सारा कुछ manage करना होता है वो stress के chances जो हैं उसके ऊपर ज्यादा हो सकते हैं उनमें ये होने के chances और इसी तरह gastric ulcer भी उन individuals के अंदर होने के chances ज्यादा हैं कि जिनकी job जो है वो इस नौयत की है कि वो stress में रहते हैं। पेन जो है इसके अंदर भाई एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट जो है वो बेसिकली इसमें होगी और एपिगैस्ट्रिक हम बोलते हैं बेसिकली द अपर एंड मीडियन पार्ट ऑफ द एब्डोमेन लाइंग ओवर द स्टोमिक। सो स्टोमिक के अंदर जो कि एब्डोमेन का अपर और कुछ मीडियन पार्ट जो है वो जो कि लाइ कर रहा होता है उसके लिए हम एपिगैस्ट्रिक का वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें इस एरिया में स्पेशली पेन फील होगी और चूंकि ड्यूडिनल का जो लोकेशन है वो भी ऑलमोस्ट यही बनती है ओवरऑल डिस्कम्फर्ट फील करना और इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एडिशनल सिम्टम क्या है कि जो पेन का प्रोसेस है वो रेडिएट करता है टुवर्ड्स द बैक। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो क्योंकि फूड जो है वो सबसे पहले स्टोमिक में पहुंचती है तो इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग अगर किसी को रेडिएटेड फॉर्म में पेन जो है वो फील होती है इस स्टोमिक वाले एरिया में तो ये गैस्ट्रिक अल्सर की अलामत हो सकती है और इन केस ऑफ 2 to 3 years आफ्टर ईटिंग एंड स्पेशली आफ्टर मिडनाइट जब कुछ 3-4 घंटे गुजर चुके हों खाने को उस वक्त अगर पेन फील होती है तो ये ड्यूडिनल अल्सर को रिफ्लेक्ट कर रही होती है चीजें। और एग्रीवेशन की फॉर्म अगर हम बात करें कि ये जो पेन या इस तरह के जो इश्यूज हैं वो अगर ज्यादा सीवियर होते हैं तो ड्यूडिनल के केस में
इफ समवन इज हंग्री तो वो ज्यादा सफर करेगा, और गैस्ट्रिक अल्सर के केस में इंडिविजुअल जब खाता पीता है तो फिर उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा फील होती है। तो इसमें हम स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील वाला सोल्यूशन जो है उसको ज्यादा यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इतनी ज्यादा ना हो कि वो अपनी लाइनिंग्स को जो है ना वो खाना शुरू कर दे। तो अल्टीमेटली वी वांट टू कीप द बिजी स्टोमिक या स्टोमिक की जो सिक्रीशंस हैं, तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके अलावा बाकी सेम इंस्ट्रक्शन जो है इसमें भी फैटी फूड, स्पाइसी फूड इस तरह और इरिटेंट काज करने वाली फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। स्टोमिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर के साथ साथ हम गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे थे, तो गैस्ट्राइटिस इज जस्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक। एक्सट्रीम फॉर्म में फिर ये भी आप कह सकते हैं कि अल्सर में कन्वर्ट हो सकती है। इट मे अकर एज अ शॉर्ट एपिसोड और इट मे हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स। देर आर मे बी नो सिम्टम्स बट वेन सिम्टम्स आर प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज अपर एबडोमिनल pain. Other possible symptoms include nausea and vomiting, blotting, gas वगैरह का produce हो जाना. It happens when our belly feels swollen after eating, and it is usually caused by the excess gas production or disturbance in the movement of the muscles of the digestive system. Less appetite, loss of appetite, heartburn, ये भी gastritis के symptoms जो हो सकते हैं। दोनों का यहाँ पे फर्क जो है उसको शो करने की कोशिश की गई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये कब प्रॉब्लम होते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एसोसिएटेड विद gastritis आर यूजली कन्फाइंड टू द स्टोमिक एंड डू नॉट स्प्रेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये एक फर्क इसमें वाजे रखा गया है, ये पेप्टिक अल्सर की तरह ड्यूडिनम तक गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम नहीं जाता। वेयर एज इन केस ऑफ अल्सर्स कॉमनली अफेक्ट मोर देन जस्ट द स्टोमिक इंक्लूडिंग द ड्यूडिनम एंड इन सम केसेस एसोफेगस। अल्सर्स आर मोस्ट कॉमन एज कंपेयर टू गैस्ट्राइटिस। देयर आर आल्सो ओवरलैप बिटवीन दीज कंडीशंस, यू कैन से बोथ कैन exist simultaneously. About 0.5 million new cases of peptic ulcers are reported in the United States each year, and about 1 in every 10 adults develop an ulcer in a lifetime. usme se har 10th banda jo usko prone hota hai ki usko ulcer hone ke chances ho sakte hain during the course of life. Symptoms include the stomach lining may be eaten away and pain and burning can occur with both conditions. This can lead to changes in appetite, weight and more. Agar hum is dar se nahi khayenge ki bhai pain ka process hoga to ultimately we will lose weight. Gastritis can cause ulcer symptoms. Ya aap keh sakte hain ki ye precede hai ulcer ki. Gastritis जो अगर लॉन्ग टर्म रहती है तो अल्टीमेटली इट कैन डेवलप इनटू अल्सर्स। कॉजेस की अगर हम बात करें तो इसमें एच पाइलोरी जो है वो सबसे कॉमन काज बनती है, जो कि स्पेशली कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। बोथ आर मेड वर्स बाय पोर डाइट, स्ट्रेस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड द यूज ऑफ non-steroid anti-inflammatory drugs. अगर ये भी हम medication, जितनी भी medication आप ज्यादा use करेंगे ulcers होने के chances, और specially stomach क्योंकि सबसे पहले इसको face करते हैं, stomach ulcer होने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं। So let's talk about the diethropy and the objective in this case is to avoid foods which may increase gastric secretions. So we are interested to lower the gastric secretions. Diet is most important factor in the treatment of peptic ulcer, and diet is designed to relieve pain. First objective is to relieve pain. Second objective is the healing of ulcer.
एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंशन ऑफ रेकरेंस ऑफ डिजीज, के दोबारा होने को रोका जाए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द डाइट्री मैनेजमेंट आर क्वालिटी ऑफ फूड गिवन एट ईच टाइम. तो क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, अगेन अगर ये ज्यादा स्पाइसी है या ज्यादा इसके अंदर आप सॉल्ट यूज करते हैं, ज्यादा इसमें ऑयल यूज करते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. इस तरह इंटरवल ऑफ फीडिंग ये भी इफेक्ट कर रहा होता है, जिसमें मैंने यही बात की है कि हमें मील इंटरवल्स को प्रोलॉन्ग करना है, एक्सटेंड करना है इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो लेस द क्वांटिटी ऑफ फूड बट मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, वी कैन यूज सम फूड्स विच हैव न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट्स. इनहिबिशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन, avoidance of gastric stimulants and the foods rich in fiber. So basically these 4 to 5 aspects are very much important regarding the dietary management of peptic ulcer. Peptic ulcer is the eruption in the stomach or duodenum due to injury from the digestive secretions containing proteolytic enzymes and HCl. मैं आगे आपको एक डायग्राम शो करूंगा, वहां पे ये चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी कि एक्चुअली प्रोसेस कहां से शुरू होता है, कि हमारी जो लाइनिंग्स हैं स्टोमिक की या ड्यूडिनम की, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर वहां से एक रास्ता बन जाता है जिसमें फिर आगे माइक्रोबियल जो कि एंट्री है, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का नाम देते हैं, एच पाइलोरी हम कहते हैं, वो कह लें कि वहां से आगे मूव कर जाता है, वहां पे स्ट्रे करते हैं और फिर अल्टीमेटली अल्सर्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाता है. एसिड सिक्रीशंस आर यूजुअली वेरी हाई इन केस ऑफ ड्यूडिनम अल्सर्स एज कंपेयर्ड विद द गैस्ट्रिक अल्सर्स. एक्यूट पेन में अकर व्हेन द स्टोमिक इज एम्प्टी. सो द मैसेज इज वी वांट टू कीप बिजी द स्टोमिक बाय यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड. The exact cause of peptic ulcer is unknown. However, the factors which may cause peptic ulcer are excessive amount of stomach acid, stress or gastric factors, some foods, especially coffee, alcohol, spices, condiments, smoking, they may stimulate secretions of stomach juices and cause discomfort to some individuals. Use of anti-inflammatory drugs. In kisi aur issues pe aap medicines le rahe hain, वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. और इसके साथ साथ वी कैन नॉट रूल आउट द इंफेक्शन विद द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अगेन दीज आर रिफ्लेक्टेड हियर इन पिक्टोरल फॉर्म. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टीरियल इंफेक्शन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, समटाइम्स हाइपरकैल्सीमिया, यूज ऑफ सम ड्रिंक्स. सम पीपल हैव फैमिली हिस्ट्री एज वेल, anxiety or stress, and low levels of melatonin. Melatonin is basically a hormone that regulates the sleep wake cycle. So hamara sona aur jagna jo hai usko ye regulate kar raha hota hai, aur basically it is released by the pineal glands. And we can also use as a supplement. It is often used for the short-term treatment of individuals with feeling trouble sleeping, such as from jet lag. Jet lag होती है कि जब आप एक region से fly करके दूसरे region में जाते हैं और वहाँ पे दिन रात का difference जो है वो change हो जाता है, तो उस वजह से कुछ दिन जो है वो problem feel होती है, तो फिर individuals हैं वो मेलाटोनिन का सप्लीमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं. या बाज दफा शिफ्ट ऑफ वर्क होती है कि जो दिन को काम करता था, अगर उसको रात को काम करना होगा तब उसने फिर रात को जागना है और दिन को सोना है, तो जब ये शिफ्ट होगी वर्क की, तो उस वक्त भी टेम्पररी जो डिस्टर्बेंस होती है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी इसमें स्टिल जो है वो एविडेंस के हवाले से बात करें तो मजीद रिसर्च होने की जरूरत है. Again, another slide showing the 12 signs of stomach ulcer, like indigestion, जो खाया पिया वो हजम ना होना, या frequent heartburn अगर कोई individual feel करते हैं, weight loss that is unexpected, burning or dull pain in the stomach, frequent feeling of hungry, nausea, vomiting, constant burping,
बर्पिंग बेसिकली वर्ड जो है वो आप यूज करते हैं जिसमें बेल्चिंग टाइप की कंडीशन होती है और इसमें एयर जो है उसको एक्सपेल किया जाता है स्टोमिक से थ्रू द माउथ. यूजुअली अकर्स व्हेन द स्टोमिक डिस्टेंड्स आर एक्सपेंड्स बिकॉज ऑफ टू मच स्वॉलोड एयर. बाज दफा हम खाते पीते बोलते रहते हैं साथ खाना खाते हुए, तो उसकी वजह से भी हम एयर को स्वॉलो कर रहे होते हैं, तो इसलिए खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए. बिकॉज ऑफ टू मच स्वॉलोड एयर बेल्चिंग अदरवाइज नोन एज बर्पिंग और रक्शन रिलीज द एयर टू रिड्यूस द डिस्टेंशन. ब्लॉटिंग वर्ड भाई इसमें मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये भी एक्सेसिव जो गैस है प्रोडक्शन उसके साथ एसोसिएटेड है, लैक ऑफ एपिटाइट है, फ्रीक्वेंट नीड और डिजायर टू टेक एंटीसिड्स, डार्क टैरी स्टूल, स्टूल के अंदर भी कुछ सिम्टम्स उसकी शेप और कलर की बेस पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है. हेलिकोबैक्टर की हम बात कर रहे थे या एच पाइलोरी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्टोमिक की हेल्दी वाल है, हेल्दी स्टोमिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें म्यूकस लेयर है, जिसमें गैस्ट्रिक एपिथीलियम है और इसके साथ कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो एसोसिएटेड हैं. जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अटैक होता है तो ये बेसिकली म्यूकस लेयर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और फिर नेक्स्ट फेज पे हम देखें तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की और इसके साथ साथ फिर आगे जो फर्दर लेयर्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है. अगेन सेम रिफ्लेक्शन इज हियर इन केस ऑफ दीज अल्सर्स वी कैन फाउंड द एच पाइलोरी बैक्टीरिया देयर, अ स्टोमिक इन्फेक्शन दैट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर. इस चीज को मजीद यहाँ पे एलैबोरेट किया गया, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर एक आपको म्यूकस लेयर जो है वो नजर आ रही है और प्रोटीएजेस जो कि नेचुरली भी पाए जा रहे हैं और फूड के थ्रू भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो इस एपिथीलियल लेयर को जो है वो डैमेज करते हैं, तो फिर एक यहाँ से एंट्री का रास्ता बन जाता है जिसमें ये हेलिकोबैक्टर जो है वो इन्फेक्ट करेगा और अल्टीमेटली फिर ये मस्कुलरिस जो लेयर है म्यूकोसा की जो लेयर है उसको डैमेज करेगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करेगा और फिर सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैस्ट्रिक अल्सर. ये इसकी मैनेजमेंट के वाले से एक बात की गई है, इसमें मुझे ये स्लाइड मिली थी कि जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है ना मोस्ट कॉमन है बाजार है और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक वो पेंसिलिन ही है, तो पेंसिलिन एलर्जी की पहले बात की जाती है, इंडिविजुअल को किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है, तो अगर उसको उसका आंसर जो है वो यस की फॉर्म में हो कि यस ही या शी हैज दी एलर्जी, तो फिर उसमें ये डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक क्लेथ्रोमाइसिन इनका कोर्स करवाया जा सकते हैं और इन केस ऑफ नो एलर्जी आप जो है वो पेंसिलिन बेस्ड भी मेडिकेशन जो है उसको आगे कैरी कर सकते हैं. मॉक्सलिन प्लस क्लेथ्रोमाइसिन इसको 14 डेज तक जो है वो यूज किया जा सकता है. इसके बाद कल्चर ससेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है और उसमें अगर एच पाइलोरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो इट मीन्स कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है और अगर स्टिल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एच पाइलोरी जो है वो मिले तो फिर मजीद 10 दिन के लिए मॉक्सलिन जो है वो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो रिकमेंड किया जाता है. रिस्क फैक्टर्स इसमें स्मोकिंग जो है इसको ट्रिगर करती है, ड्रग एब्यूज और अल्कोहल का इंटेक जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं, फैमिली हिस्ट्री इसमें आ जाती है, एज अबव 50 होना एक फैक्टर है और ये कॉमन दिखाने का मकसद क्या था कि ये चीज हमारे यहाँ पे कॉमन है. वी ईट स्पाइसी फूड्स, इंडो पाक की जितनी भी फूड्स हैं इनको स्पाइसी कहा जाता है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर के होने की मेन रीजन जो है वो फूड का बहुत ज्यादा स्पाइसी होना भी
श्याम वाला। वेस्टर्न सोसाइटी में बात करें तो मे भी अल्कोहल जो है वहां पे डोमिनेट करती है। गैस्ट्राइटिस की अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो इसमें सिंपल पेन, हैवीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, ये चीजें शामिल हैं। और काजेज की बात करें तो इसमें अनहेल्दी फूड, स्पेशली ये फास्ट फूड, जंक फूड, अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ मेडिकेशन, जिसको मैं ड्रग अब्यूज का नाम देता हूँ, तो थोड़ा सा सर दर्द हुआ और डिस्प्रिन खा ली, हेलिकोबैक्टर यानी फूड कंटेमिनेटेड अगर आप यूज करते हैं, और इसी तरह वेस्टर्न सोसाइटी में उनका जो सोशल ड्रिंक है वो भी एक इसकी रीजन है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सिंपली एंटीबायोटिक से प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है, पेन किलर और पेन रिलीविंग मेडिकेशन जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है, और प्रॉपर जो है वो सिचुएशन को देखने के लिए, डायग्नोसिस के लिए गैस्ट्रोस्कोपी जो है ना वो सजेस्ट की जाती है। मॉडिफिकेशंस अगर डाइट के अंदर बात की जाए तो डाइट इज डिजाइन टू अकोमोडेट इंडिविजुअल टॉलरेंस, हाउएवर करंट रिकमेंडेशंस आर दीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस व्हिच वी कैन फॉलो टू हैव लोअर चांसेस ऑफ एपिसोड्स ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। फॉर एग्जांपल ईट रेगुलरली एंड अवॉइड स्किपिंग मील्स, तो ये एक जनरल सजेशन भी है हेल्दी रहने के लिए। इसके बाद हैव अ स्मॉल मील एंड ईट ऑफन, जो कि इस मैनेजमेंट में अब जो है ना वो रोल प्ले करेगी, जितनी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फूड स्टफ शुड बी देयर। एम्प्टी स्टोमिक जो है वो प्रॉब्लम काज कर सकता है। लिमिट फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड कैफीनेटेड ड्रिंक्स, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी एंड कोला ड्रिंक्स, बिकॉज दे कैन स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। Limit foods rich in fiber such as whole cereals or cereal products or some vegetables because they tend to irritate the stomach and irritate gastric motility. Avoid bedtime snacking which may stimulate acid production if symptoms often occur in the middle of the night. So, अगर इस तरह का symptom हो जो कि हमने specially देखा है कि duodenal ulcer की form में होता है तो फिर सोने से पहले खाना जो है ना उसको avoid करना चाहिए। वैसे भी हमें खाना और सोना इसके दरमियान में 2 से 3 घंटे का वक्फा रखना चाहिए। अवॉइड फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट कॉज डिस्कम्फर्ट, अवॉइड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एस्पिरिन एंड अदर ड्रग्स नोन टू चेंज द स्टोमिक लाइनिंग। ठीक है, जो अभी हम आम मैं कहता हूँ ना पेन किलर, और कमर्शियल भी टीवी पे ऐसे चलता है कि जैसे ये फूड है पेनाडॉल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, दिस शुड बी यूज्ड इन मॉडरेशन एंड ओनली इफ रिक्वायर्ड। Limit alcohol intake and avoid drinking on stomach, empty stomach. Avoid cigarette smoking. So ultimately, जो ये triggers थे, stimulants थे, इनको control करना जो है वो जरूरी है। Diet can be adequate depending upon the individual food selection. So अगर वो balanced form में ले रहा है diet को और उसके nutrients और calories जो हम पूरी हो रही है, it can be adequate. Regarding food choices, among the cereal groups, all types of white bread or rusk, khichdi, sagudana, these are allowed, whereas fibrous portion and foods, cereal foods with more quantity of fat, these should be discouraged. Milk and milk products are allowed, meat and again, red, white meat and egg, all these are in this category. Cooked in moderate fat, mild spices and eggs. And the spicy and oily variant of either vegetables, dishes, vegetable dishes, gravies made with onion, achar, chutney and strong spices, deep fried food should be avoided. In case of pulses, all cooked in low spices and spicy variant and fatty variant is not allowed. Again, in case of vegetables, same instructions are there. Fresh fruits are encouraged and there is no restriction. And dry fruits, nuts and seeds should be used in moderation. And especially dried fruits with the added salt or fried variant, these can be problematic. Good fats in moderation are allowed. Desserts and sweets are allowed, but they should not have excessive amount of fat and nuts. The tough element है ना वो भी आपने food में से
करना है। इसी तरह ड्रिंक्स में हम वो ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड्स एंड ड्रिंक्स आर अलाउड एक्सेप्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कॉफी एंड स्ट्रॉन्ग टी बिकॉज दे स्टिम्युलेट द एसिड प्रोडक्शन। दीज आर 15 फूड्स टू अवॉइड इफ यू हैव अ स्टोमिक अल्सर। ब्लैक पेपर, हॉट पेपर, कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी, अल्कोहल, टी, चॉकलेट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस, फ्राइड फूड्स, टोमेटो, पेपरमेंट and dairy products and nuts and seeds, these are recommended to avoid, especially if as someone has verified stomach ulcer. What to eat if you have a peptic ulcer? Again, some good things are here. We can take green tea, radish, carrot, apple, bell peppers, cherries, honey, olive, cauliflower, broccoli, and cabbage. Foods to be allowed and foods to be avoided, especially French fries, red meat, mayonnaise, bacon. Bacon is a type of salted and cured pork. It is prepared from several different cuts of meat, typically from the pork belly or from the back cuts, which have less fat than the belly. हम भी यहाँ पे बारबेक्यू करके स्टफ जो है वो इस तरह का यूज करते हैं। बटरी पेस्ट्रीज, मिल्क, फुल फैट मिल्क स्पेशली, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दिस शुड बी अवॉइडेड। इन दिस स्लाइड दे हैव गिवन द फोर हेल्दी फूड्स टू ईट व्हेन यू हैव अ स्टोमिक अल्सर लाइक क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, टर्मेरिक, रॉ हनी, गार्लिक एंड थ्री प्रूवन नेचुरल अल्सर रेमेडीज लाइक लिकोराइस root, aloe vera gel and probiotics are suggested. Regarding the diet chart, for example, if an individual required 1600 kilocalories per day, we can split these calories in different meals, like it can be a breakfast, it can be a snack time, again lunch time, and then second snack is there, and lastly we have a meal. So after 8 o'clock food should not be taken. Regarding composition of diet, it can have more than around 300 grams carbohydrates in the form of rice, bread, chapati, and 40 gram protein from good meat protein sources like meat, especially white meat is preferred one. We can use pulses, but without husk and without frying. And total fat should not be more than 15 grams. If we talk about home remedies for stomach ulcer, we can use cabbage juice. Banana is good, honey is good, and fenugreek leaves are most commonly used as a household ingredients for the treatment of many diseases. Simply you should boil and use the water. These are some supplements, especially these are also available in Pakistan, which are suggested for the treatment, or you can say herbal treatment for practical.